कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और क्रेडाई छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित रियल एस्टेट राइजिंग छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आयोजन राजधानी रायपुर में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर औद्योगिक प्रतिनिधियों को उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में वन मंत्री मोहम्मद अकबर, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, महापौर प्रमोद दुबे मौजूद थे। साथ ही इस अवसर पर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के चेयरमैन नरेंद्र गोयल और क्रेडाई छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष रवि फतनानी सहित औद्योगिक और रियल एस्टेट से जुड़े प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सीएम बघेल ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार की नीतियों के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ में देश के उद्योग और व्यापार जगत में आई मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रियल एस्टेट में तेजी लाने के लिए भूमि की गाइडलाइन दर 30% कम किए गए हैं। इसी प्रकार डायवर्शन प्रक्रिया का सरलीकरण भी किया गया है। उन्होंने कहा कि कारोबारियों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम जल्द ही लाया जाएगा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में स्टाफ की कमी दूर की जाएगी, पंजीयन कार्यालयों में भी व्यवस्थित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के समान ही LIG मकानों के लिए प्लॉट का आकार 90 वर्ग मीटर किया जाएगा। EWS और LIG भूमि के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए फैसलों का परीक्षण कर इसे भी प्रदेश में लागू किया जाएगा। उन्होंने एग्रो इंडस्ट्रीज के ऑरेंज सेक्टर में रखने के संबंध में उचित फैसला लेने की बात भी कही। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार द्वारा रियल एस्टेट में किए जा रहे कार्यों को लेकर प्रदेश के कारोबारियों ने खुशी जताई और प्रदेश को और आगे ले जाने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।